बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर सभी को चौंका दिया। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनते ही यूपी की सियासत में भूचाल सा गया। लोगों के मन में तमाम सवाल उठने लगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या आकाश आनंद बसपा को यूपी में फिर से मजबूत कर पाएंगे। ऐसे कई तमाम सवाल है जो लोगों के मन में है। लेकिन आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्यों खुश हो रहे हैं? जी हां, जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से आकाश आनंद को लेकर सवाल किया तो अखिलेश ने कहा कि BSP ने इस तरह का निर्णय लिया है तो हमें खुशी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नए नेतृत्व के साथ BJP से दूरी बनाए रखी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव से जब यह सवाल किया गया कि आकाश आनंद को BSP के उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद क्या वह 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो इस पर अखिलेश ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि कौन किसके साथ आएगा। जी हां, अखिलेश ने कहा कि अभी उनको यह नहीं पता कि कौन किसके साथ गठबंधन करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से थे, उनको लेकर चलेंगे और हर गठबंधन सम्मान से होगा। तो हर गठबंधन सम्मान से होगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर जो बात कही कि BSP के इस फैसले से हमें खुशी है, हमें उम्मीद है कि नए नेतृत्व के साथ BJP से दूरी बनाए रखी जाएगी। वो नया नेतृत्व क्या होगा, क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा आकाश आनंद होंगे, क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो 2019 में साथ थे वो फिर से 2024 में भी साथ आकर एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ें, क्या आकाश आनंद को भी लगता है कि अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, क्या इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगे या फिर कोई नया गठबंधन तैयार होगा। यानी कि अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि जब से आकाश आनंद को बसपा ने उत्तराधिकारी बनाया, मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान कि वो BSP के इस फैसले से खुश हैं, तो उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। इन सब के बीच मायावती क्या सोचती हैं, मायावती के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो फिर से चाहेंगी कि सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। सवाल तो कई हैं और उम्मीद भी है जल्द इन सब सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव के इस बयान को। आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। तो सुना आपने किस तरह अखिलेश यादव आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने पर खुश है, इसके संकेत क्या है, चलिए अब बात कर लेते हैं आकाश आनंद की। मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, उनके बेटे हैं आकाश आनंद, जो अभी सिर्फ 28 साल के हैं। बहुत कम उम्र है लेकिन जिम्मेदारी बड़ी दे दी गई है। नोएडा और लंदन से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। सार्वजनिक मंच पर उन्हें पहली बार 2017 में देखा गया था जब मायावती सहारनपुर में एक सभा कर रही थी और इसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान उनका परिचय करवाया था और तभी से ही आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो तमाम पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। बढ़ते कद को देखते हुए उनको 2020 में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उनको युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो भी एक युवा ही है तो ये जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। वही हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिम्मा भी मायावती ने आकाश आनंद को ही दे रखा था। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई सभाएं और पदयात्राएं भी की। वहां का चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में वो जुट गए।
वह विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करते रहे। वैसे आकाश के इस बढ़ते कद को लेकर पहले से ही चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि जल्द ही उनको पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है, और हुआ भी यही। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बसपा को बढ़ाने वाले आकाश आनंद परंपरागत राजनीति से इतर हर मोर्चे पर पार्टी की विचारधारा को वो आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर आकाश का अकाउंट काफी एक्टिव रहता है और वह युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए काफी कोशिशें भी कर रहे हैं। तो एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि क्या मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के लिए कुछ कमाल करेंगे? क्या आकाश भी चाहेंगे कि वो भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो? अगर बसपा भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होती है तो विपक्षी गठबंधन यूपी में और मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देगा। वैसे अभी तक मायावती ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन होने पर भी कुछ साफ नहीं किया है। हालांकि यूपी का क्षेत्रीय दल, जी हाँ, महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह मायावती के साथ हैं। अब विपक्षी दलों की नजरें आकाश आनंद पर जरूर रहेंगी, और सवाल तो यही है कि क्या मायावती भी या आकाश आनंद भी विपक्षी गठबंधन के साथ जाएंगी? कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।